fluffy. Okay? Now don't cry. Be a good girl. Be a good girl. Be a good girl. Promise. Okay. Yeah. I am coming with you. Hi everyone, namaskar, salam, sat sri akal. Welcome back to Deep's All in One channel. I hope you all are doing really well. This vlog contains few days of our life when we came back from India to UK, and we did few necessary rearrangement throughout the house, so thought to share with you all. I hope you will like this video. Please do subscribe to grow this community and hit the like button to motivate and bring more good projects for you all. So शुरुआत करते हैं इस स्टेयर रूम से. फ्यूचर प्लानिंग में ये अवनी का रूम बनने वाला है, बट फिलहाल जो है वो हमारे रूम में ही सोती है, उसकी कॉट वहीं पर है. और इस रूम को मैं एज ए मेडिटेशन योगा रूम और यहीं पे ईवी की चेंजिंग यूनिट लगी हुई है. लेकिन फिलहाल का जो सिनेरियो चल रहा है, मुझे एक सेपरेट वर्क स्पेस चाहिए था. देन आई थॉट कि इसको मैं अपना ऑफिस रूम बना लेती हूँ फिलहाल. अभी जो है स्टडी डेस्क दो ऊपर एटिक रूम में लगी हुई है. विकास अपना ऑफिस का काम वहीं पे करते हैं, मैं भी अपना काम वहीं पे कर रही थी. बट यू नो कई बार ऐसा होता है कि उनकी मीटिंग चल रही होती है और ईवी सोई है, मुझे उस टाइम काम करने का टाइम मिलता है, बट बिकॉज ही इज इन मीटिंग आई एम नॉट एबल टू डू इट. तो वो टाइम यूटिलाइज नहीं हो पा रहा था. सो आई थॉट कि मैं अपना ऑफिस इधर बना लेती हूँ. और ये हमारा फैमिली फोटो है. यहाँ पे देखिए अर्जुन, हनी, शक्ति, सब कुछ कितने छोटे छोटे से हैं सारे बच्चे. और ये शादी से पहले का ही है फोटो, और तभी से मेरे साथ है, तब हमारा बस रिश्ता ही तय हुआ था. वेल, चलिए अब थोड़े से अरेंजमेंट करने शुरू करते हैं. तो यहाँ पे ये आईकिया की एक गैलेक्स यूनिट है, जिसको आप स्टैंडिंग पोजीशन में भी रख सकते हैं, वर्टिकल में भी रख सकते हैं. तो ये हमने यहाँ रखी हुई थी, इवन दो इसका हमने एक फॉर्म भी ऑर्डर किया हुआ है इसको एक अच्छे से सीट बनाने के लिए. बट क्योंकि अभी जो है वो थोड़े से चेंजेस हम कर रहे हैं घर में, चार पांच महीने रहने के बाद यू नो आपको पता लगता है कि कहाँ पे क्या चेंजेस आपको करने हैं. तो इसीलिए हमने कुछ भी परमानेंट नहीं किया था, क्योंकि कुछ चीज़ें इधर जाएंगी, कुछ चीज़ें उधर जाएंगी. सो उस हिसाब को देखते हुए हमने जो है कुछ भी परमानेंट नहीं किया था. तो इस यूनिट को पहले मैंने यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में किया, एंड आई थॉट कि इसके बराबर में मैं अपनी स्टडी डेस्क लगा लूँगी. अच्छी भी लग रही थी यहाँ पे, लेकिन वही है कि हाउस अरेंजमेंट इज़ जस्ट लाइक ए पज़ल. आप उस पज़ल को सॉल्व करते जाते हो, अगर नहीं सही लगता है, वो नहीं सही बैठती है, तो आप फिर दोबारा से बनाना शुरू करते हो. सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग हियर. आई एम ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स. तो वो मैं वहाँ पे कर ही रही थी. और इधर जो है ये ईवी की क्रिब है छोटे वाली, और क्योंकि अब उसकी कॉट जो है वो बड़ी चाहिए, बैठना शुरू कर दिया, चीज़ें पकड़ के खड़ी भी होती है अभी, तो इट इज़ नॉट सेफ. और ये स्विंगिंग वाली भी है, तो इसको मैं दे रही हूँ मेरी फ्रेंड को. और साथ ही और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे फ्रेंड सर्किल में एक और छोटा सा बेबी आने वाला है. बहुत जल्दी खैर सुख से हो आ जाए, उसके बाद फिर आपको मिलवाऊंगी. और बस यही कुछ चीज़ें जो हैं वो विकास बस देने के लिए जा रहे हैं. यू नो सब कुछ नया नया ही होता है छोटे बच्चों का ना, कुछ भी ऐसा नहीं कि चीज़ें खराब हो जाती हैं. तो हम फ्रेंड सर्किल में इसी तरह से करते हैं कि जिसको जब ज़रूरत होती है, जिसके पास अगर कुछ रखा हुआ, देन वी जस्ट शेयर विद एवरीवन. तो यही होता है फ्रेंड सर्किल फैमिली. तो बस विकास जो है वो ये सारा का सारा सामान ड्रॉप करने, इसमें ब्रेस्ट पंप वगैरह भी है, ये क्रिब हो गई है, बेडिंग्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं. तो सब कुछ जो है फ्रेशन अप करके, अच्छे से वॉश करके और क्लीन करके मैंने रख दिया, ताकि न्यू मॉम को जो है वो ज़्यादा काम ना करना पड़े. तो अभी विकास जा रहे हैं इस काम को करने के लिए, और इसके बाद मैं फिर से चलूँगी ऊपर स्टेयर रूम में, और वहाँ पर जो थोड़े से अरेंजमेंट हैं वो करने शुरू करूँगी.
और यहाँ पे प्लांट्स मेरे जो हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, और गर्मी जो है वो यहाँ पे भी एक्चुअली काफ़ी हो रही है, बट किसी किसी दिन जो है वो अच्छा सा वेदर हो जाता है कि क्लाउडी रहता है तो अच्छा लग रहा है। सो समर्स आर हियर एंड ब्रिटिश समर्स आर लाइक दैट कि सुबह 3:30 बजे धूप निकल जाएगी, रात को 11 बजे तक भी ना रोशनी रहती है, तो जो वो स्लीपिंग विंडो है वो बहुत कम रहती है। बिकॉज वी इंडियंस, हमारा तो जब हम लोग जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया, हमारा यही है कि अंधेरा हुआ तो सो जाओ, उजाला हुआ तो जाग जाओ। यहाँ पे यह कि 7 बजे डिनर कर लेते हैं, उसके बाद भी 3-4 घंटे तक रोशनी रहती है, तो समटाइम इट फील लाइक कि लंच कर रहे हैं, डिनर नहीं कर रहे हैं। वेल चलिए, तो यहाँ पे नीचे वाले रूम में आ गई हूँ क्योंकि ऊपर मुझे विकास की हेल्प चाहिए थी एंड आई एम वेटिंग फॉर हिम। तो मैंने यहाँ पे जो है ये एक टेबल क्लॉथ डाल दिया है, ये मैं पुराने घर में भी यूज करती थी। पहले मुझे लग रहा था कि मैं ये व्हाइट वाला डालूंगी तो ये अच्छा नहीं लगेगा, बट ये बहुत अच्छे से मैच कर रहा था मिरर के साथ, और एनी हाउ जब ये व्हाइट इसके ऊपर बिछा ना तो इससे ये और ज्यादा ब्रॉड, बड़ा बड़ा सा और खुला खुला सा लगने लगा। और कवर करने का बस पर्पस यही था कि डस्ट बहुत ज्यादा हो रही थी, तो मुझे दिन में 3-4 बार जो है वो डाइनिंग टेबल को क्लीन करना पड़ रहा था। ब्लैक के ऊपर दिखाई भी ज्यादा ही देती है डस्ट, और इसका ये है कि ये वाइपेबल है, अपना आराम से दिन में अगर 2 बार या जब भी खाना खाया बस एक तब इसको वाइप कर दो। बट ब्लैक का तो ये हो रहा था कि आते जाते मुझे धूल दिख ही जाती थी एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, इसको फिर से क्लीन करो। तो लिविंग रूम का थोड़ा सा वो चेंज किया, और यहाँ पे ये स्टडी डेस्क आ गई है। पहले मैंने सोचा था कि इसको विंडो के सामने इस तरह से रखें, लेकिन फिर स्टेयर्स और टेबल के बीच में जगह बहुत कम थी, तो वो लग रहा था कि आते जाते कहीं ऐसा ना हो कि पैर में ठोकर लगे ऊपर जीने में चढ़ते हुए, तो फिर मैंने इसको इधर की पोजिशन दीवार की तरफ ही रख दिया है। एंड नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेरी चेयर, क्योंकि वही के एक छोटी वाली चेयर थी जो मैं यूज़ कर रही थी एंड इट वॉज नॉट कम्फर्टेबल, मुझे बैक एक बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस वजह से ये चेयर ली है। सीहू ब्रांड की है, अमेजोन से ली है, एर्गोनॉमिक चेयर है, रियली गुड। आज जो है ऑलमोस्ट मोर देन अ वीक आई एम यूजिंग दिस चेयर एंड इट इज सो कम्फर्टेबल, और अभी मैं सारी की सारी आपको ये दिखाऊंगी भी। इन केस यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, यू आर इन UK एंड you are looking for such good office chair, then please go for it, I will highly recommend. Aur अच्छा साइज है, वेट कैपेसिटी अच्छी है, और कंफर्टेबल है। सबसे बड़ी बात यही होती है कि काम करते हुए आपके हाथों में और आपकी कमर में वो दर्द ना हो, देन इट इज़ सो गुड। और इसके साथ जो है वो ग्लव्स भी आए थे, बट विकास के हाथों में तो ये छोटे आ गए, तो ये मेरे हाथ के ग्लव्स थे। देन ही वाज सेइंग कि चलो अब तुम ही बनाओ ये पूरी चेयर को, बट ही ऑलवेज डू दिस काइंड ऑफ थिंग। तो विकास अपने टूल्स वगैरह लेकर आ गए हैं एंड इट इज सो इजी टू असेंबल एक्चुअली, और फिर इंस्ट्रक्शन भी बहुत ही इजी रहती है। बट जब भी हम इस तरह से चीजें असेंबल करते हैं दोनों, तो मेरा पार्ट होता है इंस्ट्रक्शंस पढ़ने का और बताने का कि अब ये पार्ट जोड़ दो, अब ये पार्ट जोड़ दो, एंड विकास इज गुड विद हिज ड्रिल और स्क्रू ड्राइवर एंड एवरीथिंग एंड ही जस्ट डू इट। सो इट इज सो इजी, 3 पार्ट में एक्चुअली ये आती है। तो ये बॉटम पार्ट है, उसके बाद फिर आप जो है इसके कास्टर्स लगा दो, उसके बाद सीट इसकी रखी जाएगी, और उसके बाद जो बैक रेस्ट होता है वो लगता है। इट इज सो इजी, लाइक आप अकेले भी कर सकते हो, 2 जन साथ में लग के करें तो ये है कि जो काम आधे घंटे में होना है वो 15 मिनट में हो जाता है, क्योंकि नहीं तो फिर आप इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे फिर आप लगाओगे, तो इस तरह से थोड़ा सा रहता है। बट अगेन इट इज सो इजी एंड आई एम एंजॉइंग अ लॉट इन दिस रूम। और ये सब करने के बाद भी रूम में इतना स्पेस आराम से है कि हाँ, मेरा योगा मेडिटेशन, इवन दो ईवी जो है वो यहाँ पे आराम से खेल भी लेती है, क्योंकि बैठती है आजकल, क्रॉल करने की पूरी पूरी कोशिशें हो रही हैं उसकी, तो वो सारे काम अपना कर लेती है। तो बस यहाँ पे चेयर जो है इसी की असेंबली चल रही है। मैं इसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक इट आउट। थोड़ा सा प्राइस वाइज थोड़ी सी हायर साइड पे, बट वही है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, ये वो चीज़ें होती हैं जो आपको काम में कम्फर्ट देती हैं, और ये एक बार का खर्चा होता है। आप एक बार ढंग की चेयर ले लो, इट गोना सर्व यू फॉर सो मैनी ईयर्स।
So it is better, or I really liked this one. So again, I would say के check the description box. अगर आपको ज़रूरत है और आप सोच रहे हैं कि अपनी ऑफिस चेयर को आपको अपग्रेड करना है या चेंज करने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पे ये पूरी फिक्स हो गई है. बॉटम सीट जो है वो इसमें जो इसका पैडल के साथ जो इसकी अटैचमेंट है, बस उसकी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं. और अभी मैं इसके फीचर्स भी आपको दिखाऊंगी, विच इज सो अमेजिंग. And the chair is all fixed now and I'm so happy. बस अब इसका जो headrest है वो लगाना है, और जो headrest है ना वो भी tilt करने वाला है कि आप अपने हिसाब से उसको थोड़ा सा आगे को पीछे को, you know, comfort position के आपको किस तरह से रखना है. और जो chair की back है वो थोड़ी सी recline भी हो जाती है कि अगर आपको पीछे की तरफ को recline होना है या फिर बिल्कुल straight ही रखना है. और height जो है वो आप अपने हिसाब से इसकी adjust कर सकते हो, तो सभी की height के according आप इसको मैनेज कर सकते हो. और जो इसका बेस्ट फीचर मुझे लगा है, एक तो ये हेडरेस्ट, यहाँ पे ये टिल्ट करके दिखा ही रहे हैं कि इसको आप जिस पोजीशन में चाहें उस पोजीशन में आप इसको कर सकते हैं, और ऊंचा नीचा भी कर सकते हैं. अगेन आपकी हाइट के हिसाब से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं. और इसके बाद जो है, जो इसके आर्म रेस्ट है ना, एक्चुअली इनको भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो. तो अगर आप लाइक टेबल के आपको बिल्कुल रखना है लेवल में, तो आप उतना रख सकते हो, या फिर आपको हाथ नीचे रखने हैं, हाउएवर यू वांट. तो जो हैंड रेस्ट है आप इसको भी कर सकते हो. और जो इसका बेस्ट फीचर है वो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ. लाइक ये तो हाइट एडजस्टमेंट था, वो दिखा रहे थे यहाँ पे विकास. और इसके बाद आपको पीछे ना यहाँ बैक में ये दिखाई देगा, तो इससे क्या है, आप इसको ये बैकरेस्ट काइंड ऑफ है बॉटम टाइप में, और इसको अगर आप इस तरह से रोल करते हो तो यू नो बिल्कुल ये आपके डीप बैक तक जाता है और बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है. सो दिस वाज द बेस्ट फीचर, और यही एक रीजन था कि हाँ इस चेयर के लिए हाँ की गई कि हाँ चलो ये चेयर ले लेते हैं. तो इट इज वेरी कंफर्टेबल, और जिनको बैक एक होता है आई विल हाईली रिकमेंड कि बैठ के काम करना है तो आप इस चेयर के लिए जाएं. तो Finally, this chair is done and I'm so happy. और एक पहली भी office chair है वो ऊपर attic में, वो विकास use करते हैं, और मैं एक छोटे वाली use कर रही थी which was not at all comfortable, और उसमें हैंड रेस्ट वगैरह भी नहीं था, बट यही था कि हाँ बस काम चला रहे थे. तो फाइनली जो है मेरी भी एक ऑफिस डेस्क बन गई है, एंड इट इज़ किड्स अप्रूव्ड एज वेल. अद्वी इज इंजॉइंग अ लॉट, एंड वो भी अब इसी रूम में अपनी स्टडीज वगैरह कर रही है. सो आई एम सो हैप्पी टू सेट अप माई सेपरेट वर्क स्पेस, और यहाँ बैठ कर अब मैं अच्छे अच्छे आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट्स बनाऊंगी. इवन दो मैंने अभी इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली थी कि आई रिज्यूम्ड माई वर्क एंड गेस माई ऑफिस, तो बहुत सारे लोगों ने स्टेयर रूम का लिया, बहुत सारे लोगों ने गार्डन रूम का नाम लिया. तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं, देन मेक श्योर यू फॉलो देयर. वहां पे मैं बहुत सारी पोस्ट एंड स्टोरीज डालती रहती हूँ, साथ ही थोड़ी सी फन रील्स भी आती हैं. अब यहाँ टेबल के बराबर में थोड़ी सी जगह बची हुई थी, देन आई थॉट के चलिए यहाँ पे थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट कर देते हैं नीचे बैठने वाला. ईवी भी कई बार होती है ना कि यहीं पर बैठ रही है, या मेरा कुछ लिखने का काम होता है, मैं कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रही हूँ, तो वो फिर मैं यहीं उसके पास बैठ जाती हूँ. और ये दो हार्ट है जो एक्चुअली वैलेंटाइंस डे के हैं, और ये ईवी को बड़े पसंद है, तो मैंने उसकी चेंजिंग यूनिट के ऊपर लगा दी, क्योंकि कई बार डायपर चेंज करते हुए वो बड़ा परेशान करती है, तो वो उनको देख के अब खुश होती रहेगी. और इधर अब इस रूम में जो फर्दर चेंज हो रहा है, वही के ईवी की जो कॉट है वो हम चेंज कर रहे हैं. छोटे वाली आपने देखा ही है कि मैंने अपनी फ्रेंड को दे दी है, और ये हमने बड़े वाली ली है, और एक्चुअली ये काफी बड़े वाली है, और इसका जो है वो टॉटलर बेड भी बन जाता है. आप इसको इन फ्यूचर एज अ डे बेड भी यूज कर सकते हैं लिविंग रूम में, या कोई भी आपका
सिटिंग अरेंजमेंट हो। तो वही है कि क्रिब और इस कॉट के बीच में एक साइज और आता है कॉट का, तो आप वो भी ले सकते हो, वो भी टॉडलर बेड में कन्वर्ट हो जाता है। बट आगे की चीजें देखते हुए हमने इसमें ज्यादा इन्वेस्ट करना बेटर समझा। तो ये काफी बड़े साइज की है और ईवी 7-8 साल की होगी ना, तब तक भी बिल्कुल परफेक्टली इसके अंदर वो फिट आएगी, और इसके बाद जो है फिर हम इसको एज अ डे बेड एज अ सिटिंग यूज कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी हमने असेंबल कर ली है और इसके बाद उसका जो कोट मोबाइल है वो भी लगा दिया है, और इस कोट में भी 2 हाइट एडजस्टमेंट है। तो अभी तो हमने थोड़ा ये ऊपर वाला ही रखा है, लेकिन फर्दर लाइक इन कमिंग 1 or 2 month हम इसका नीचे वाला अरेंजमेंट कर देंगे, ताकि ईवी अगर खड़ी भी हो तो फिर वो कोट से इस तरह से बाहर ना आ पाए। और यहाँ पे अद्वी और ईवी दोनों बैठी हैं, मजे ले रही हैं, और ये क्लिप जो है वो एक्चुअली नेक्स्ट डे की है, जब यहाँ पे आया था उसका मैट्रेस, और ये हमने अमेजोन से ऑर्डर करा था, कॉट जो है वो आइकिया की है। और बस ये मैट्रेस जो है अब ये भी लगा के और ईवी की बेडिंग वगैरह सब कुछ रेडी कर देंगे, और साथ में मैंने जो है ना वो कॉट बम्पर भी लगाए हुए हैं। इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल, कुछ लोग कहते हैं कि कॉट बम्पर्स नहीं लगाना चाहिए, बट यू नो बच्चा रोल करता है, वो लकड़ी में अपना सर लगा लेगा, वो आई थिंक ज्यादा हार्मफुल है रादर देन पुटिंग ऑन कॉट बम्पर्स। और कॉट बम्पर से थोड़ी सी सेफ्टी रहती है, बाकी बच्चा नीचे ही रहता है, ऐसा नहीं कि कुछ सफोकेशन वाली कोई ऐसी चीज है। तो ईवी को अपनी कॉट बहुत अच्छे से पसंद आ रही है, उसकी मैंने बेडिंग वगैरह सब कुछ लगा दी है, और उसका जो स्लीपिंग सैक है वो भी मैंने चेंज कर दिया है। अभी जो है वो 0 to 6 month वाला ही यूज कर रही थी, बट ये सेंसबरी से हम लेकर आए हैं और ये टिल 12 month का है। ब्लैंकेट्स वगैरह मैं यूज नहीं करती हूँ, स्लीपिंग सैक में उसको मैं डाल के और सुला देती हूँ, तो उससे बच्चा यू नो पैर वैर चलाता है, तो वो डर नहीं रहता है कि ब्लैंकेट मुंह पे ना आ जाए, तो इससे वो अच्छे से कवर रहती है और डर नहीं रहता है कि ठंड लग रही है या ब्लैंकेट मुंह पे आ जाएगा, कहीं सांस लेने में दिक्कत ना हो जाए, सो इट इज क्वाइट सेफ। तो उस रूम का अरेंजमेंट हो गया। इसके बाद अब हम आए हैं एटिक में, और एटिक में हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे ये एक सिंगल बेड पड़ा हुआ है, ये आइकिया का ही है, इसका हमने मैट्रेस नहीं लिया था, मेरे पास जो एक्स्ट्रा डुवे वगैरह थी हमने वो डाल के फिलहाल वो काम चलाया हुआ था। यू ऑल नो कि जब घर मूव करते हैं तो लगता है कि बस जो जो जरूरी है वही कर लो, क्योंकि ऑलरेडी पॉकेट के ऊपर बहुत बर्डन रहता है उस टाइम पे। तो अब हमें लगा कि चलिए बस अब हाई टाइम है और मैट्रेस खरीद लेते हैं, क्योंकि ईवी की कॉट का भी लेना ही था। तो ये दोनों मैट्रेस हमने लिए हैं, ये सिंगल बेड वाला है। इन फ्यूचर यहाँ पे भी हम एक डे बेड डालेंगे, जैसा कि अद्वी के रूम में है, जो कि एक्सटेंड हो जाता है डबल बेड में, बट जब तक हम वो नहीं ले रहे हैं, अगेन बजट और रिक्वायरमेंट सारी चीजें देख के चला जाता है, तो तब तक के लिए यहाँ पे ये हमने मैट्रेस डाल लिया है, और जो डे बेड भी आएगा उसके ऊपर भी ये मैट्रेस जो है वो परफेक्टली फिट आएगा। तो बस एक मैट्रेस और लेना पड़ेगा, क्योंकि डबल बेड अगर कभी बनाना पड़ जाए उसको। तो यू नो सारी चीजें प्लानिंग के साथ चली जाती हैं। तो यहाँ पे ये बिल्कुल फिट है, और ये स्प्रंग मैट्रेस है जो कि बहुत ज्यादा बाउंसी है, और इसको लेट के इसके ऊपर कूद के सारे इसके टेस्ट जो है वो कर लिए गए, देन इट इज क्वाइट कंफर्टेबल। मुझे कई बार स्प्रंग मैट्रेसेस में लगता है कि कहीं बैकएक ज्यादा ना हो जाए, तो जो बेडरूम में हमारा मैट्रेस है वो मैंने स्प्रंग वाला नहीं लिया था, बट विकास को ये ज्यादा कंफर्ट लगता है, अद्वी तो उसको तो बाउंसी चीजें पसंद आती हैं, उसको तो कूदना होता ही है। तो इस तरह से जो एटिक बेडरूम है वो अरेंज किया है और इस तरह से लगा दे। सामने एक स्टोरेज भी है, लेकिन वो बहुत सीजनल चीजें वहां रखी हुई हैं, तो अगर कभी साल में एक दो बार ही वो खुलता है, उसको जरूरत पड़े तो अपना बेड को ये सरकाओ और अपना कर लो। और ये वाला आपने बैक जो है ड्रॉप देखा ही है कई बार, अभी मैंने जो इंडिया हॉल की वीडियोज रिकॉर्ड करी है वो मैंने यहीं पर करी है, और सबको ये बेडशीट बहुत पसंद आ रही है। ये मैंने अपनी नंद की शॉप से ली थी और ये मैंने हॉल आपके साथ शेयर करा था, आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर। और जो नीचे वो कैलेक्स यूनिट मैंने स्टैंडिंग पोजीशन में रखी थी, वो मैंने फिर यहाँ पे लगा दी है, तो परफेक्टली फिट आ रही है। यहाँ पे एक ऑटोमन रखा हुआ है, इसके ऊपर भी कुशन रख दें, क्योंकि इसके ऊपर आप बैठ भी सकते हैं। इसकी सेटिंग जो है वो बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है, और हल्का सा पिंकिश मैंने यहाँ की टोन रखी है। तो 3 सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो इस एटिक बेडरूम में हो गए हैं, और इधर की तरफ ये कॉर्नर डेस्क है जहां पर विकास अपना ऑफिस का
काम करते हैं। तो ये कुछ ना अरेंजमेंट है, लाइक स्टेयर रूम में, बेडरूम में, एटिक में, छोटे छोटे चेंजेस हैं जो करने थे और फाइनली ये सारे हो गए हैं। इवन दो अभी घर का बहुत सारा मेकओवर, गार्डन रूम जो है वो हमने इंडिया जाने से पहले शुरू किया हुआ था, कुछ क्लिप्स तब की रिकॉर्डेड हैं बट वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो अभी वो कंप्लीट करना है। तो धीरे धीरे ईवी जितना टाइम दे रही है, क्योंकि इंडिया से आने के बाद तो उसने हमारी वाट लगा रखी है, तो कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम मिलता जा रहा है तो एक एक रूम लेके हम उसको अच्छे से कवर करके और रीअरेंज या फिर जैसे भी डेकोरेट करना है वो करते जा रहे हैं, और आने वाली वीडियोस में आप वो सारे के सारे देखेंगे ही। और यहाँ पे फाइनली जो है वो डिनर, और डिनर जो है वो बहुत ही टेस्टी बना था, इसका मैंने फोटो भी डाला था इंस्टाग्राम पे स्टोरीज में। गार्लिक ब्रेड है और वेजिटेबल्स फ्राई करी है, स्टर फ्राई साथ में है, फ्रेंच फ्राई जो कि एयर फ्रायर में करी थी, और बेक्ड बीन्स हैं साथ ही हैं, यॉर्कशायर पुडिंग, और ये बिल्कुल काइंड ऑफ इंग्लिश इटालियन जो भी आप माने, बहुत सारा मिक्स्ड क्यूजीन इसके अंदर है, बट ओवरऑल इट इज सो सेटिस्फाइंग आफ्टर डूइंग अ लॉट। यू नो आप तो एक वीडियो में ये सारी चीजें देखते हो बट इन सबको होने में बहुत टाइम लगता है। तो फाइनली आई कुड नॉट रेजिस्ट माई सेल्फ टू गिव यू ए स्मॉल टूर ऑफ दिस रूम। तो इस तरह से ये कुछ सिटिंग अरेंजमेंट जिसमें मैंने रोज पिलोज यहाँ पे रख दिए हैं, और इसके पीछे ना एक्चुअली ये एक पावर सॉकेट है, तो इस पावर सॉकेट के ऊपर हम कवर लगा देंगे क्योंकि ईवी भी यहाँ तक चढ़ती है, ताकि ये बिल्कुल सेफ रहे। तो बस ये एक काम इस रूम का रह गया है, बाकी यहाँ पे मेरी डेस्क चेयर एवरीथिंग इज डन। सामने फोटो वॉल है जिसमें मेरे प्यारों के फोटो हैं जिनको देख देख के मैं मोटिवेट होती रहती हूँ, और आई एम लविंग दिस सेटअप एक्चुअली। और आपको कैसा लग रहा है प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा। और सामने जो है वो इस तरह से एटिक की स्टेयर्स चली जाती हैं, और स्टेयर्स के नीचे जो है वो ईवी की चेंजिंग यूनिट है, जिसके पीछे जो है वो हमने स्ट्रिप लाइट लगाई हुई है जिससे बहुत अच्छा कलर फ्लैश होता है। तो गाइज यही थे हमारे यूके आने में, लाइक इंडिया से आने के बाद के कुछ दिन, 3-4 दिन। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दैट प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड यस, ये जो स्टेयरकेस है ना, इसके ऊपर पेंट अभी बाकी है, वाइट ही करने वाले हैं, लेकिन अभी सिर्फ प्राइमर हुआ हुआ है। मैंने यहाँ के मेकओवर में आपके साथ शेयर भी किया था।